नमस्कार, स्वागत है आपका क्रिकेट केसरी में। मैं हूं आपके साथ प्रवीण यादव। 13 सितंबर को इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा वनडे मैच खेला गया, जिसमें बेन स्टोक्स की रिकॉर्ड तोड़ 182 रन की पारी देखने को मिली, तो साथ ही कीवी तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट की घातक गेंदबाजी भी। हालांकि इस मैच में बेन स्टोक्स की टीम ने बाजी मारी और 181 रन से इस मैच को जीता। बेशक न्यूजीलैंड को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन उनके तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट ने इस मैच में 5 विकेट लेकर इतिहास रचा है और अपने नाम एक खास रिकॉर्ड दर्ज किया है। क्या है वो रिकॉर्ड, आइए जानते हैं। इस मैच में जहां बाकी गेंदबाजों की खूब पिटाई हो रही थी, तो वहीं बाएं हाथ के तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट अपनी सटीक लाइन से छाप छोड़ने में कामयाब रहे। बोल्ट ने इस मैच में 9.1 ओवर के अपने स्पेल में 51 रन देकर 5 विकेट लिए, जिसमें जॉनी बेस्ट्रो, डेविड मलान और जो रूट जैसे बल्लेबाजों का विकेट शामिल था। इसी के साथ ट्रेंट बोल्ट न्यूजीलैंड के लिए वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा बार 5 विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। इस मामले में बोल्ट ने महान खिलाड़ी रिचर्ड हेडली को पीछे छोड़ा है। बोल्ट ने कल इंग्लैंड के खिलाफ छठी बार वनडे मैच में 5 विकेट हॉल पूरा किया। बोल्ट का यह विदेशी जमीन पर पहला 5 विकेट हॉल है। बोल्ट ने रिचर्ड हेडली का रिकॉर्ड तोड़ा, उन्होंने 5 बार वनडे मैच में 5 विकेट हॉल लेने का कारनामा किया था। इस लिस्ट में अब तीसरे नंबर पर शेन बॉन्ड का नाम है, जिन्होंने 4 5 विकेट हॉल अपने नाम करियर में लिए हैं। उनके अलावा टीम साउदी ने 3 बार और मैट हेनरी 2 बार। जबकि वनडे क्रिकेट में एक पारी में सबसे ज्यादा बार 5 विकेट हॉल लेने का रिकॉर्ड पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज वकार यूनिस के नाम दर्ज है। वकार यूनिस ने अपने वनडे करियर के दौरान 13 बार 5 विकेट लेने का कारनामा किया है। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर श्रीलंका के पूर्व दिग्गज स्पिनर मुथैया मुरलीधरन का नाम है, जिन्होंने अपने वनडे करियर में 10 बार 5 विकेट हॉल लिए हैं। वहीं मैच की बात करें तो न्यूजीलैंड की टीम 369 रनों का पीछा करते हुए केवल 187 रन पर सिमट गई। इंग्लैंड ने 4 मैचों की सीरीज में 2-1 की बढ़त अब बना ली है और अब सीरीज का चौथा और आखिरी मैच शुक्रवार को लॉर्ड्स में खेला जाएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। क्रिकेट से जुड़ी और भी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए क्रिकेट केसरी। धन्यवाद।